आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश ड्रोन बायरक्टर के बारे में और समझेंगे कि कैसे यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट में ये ड्रोन्स पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो कारबाख में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहां पर ये टर्किश ड्रोन्स काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे थे और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में कहा जाने लगा था कि आर्मर्ड फॉर्मेशन ऑब्सोलीट होती जा रही है और मॉडर्न डे कॉम्बैट में अब टैंक्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये टर्किश ड्रोन पूरी तरीके से फेल रहे हैं और जिस स्पीड से रशियन आर्मर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का जत्था यूक्रेन के अंदर चलता चला जा रहा है उससे एक चीज क्लियर है कि अकेले ये टर्किश ड्रोन एक ऐसी फोर्स के सामने इफेक्टिव नहीं है जिनके पास वॉर फाइटिंग के सभी इक्विपमेंट मौजूद हो। आप सभी को याद होगा जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा था तब भी हम लोगों ने कहा था कि बायरक्टर अकेले इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। नगोर्नो कारबाख कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आर्मेनियन फोर्सेस के ऊपर जो इनिशियल ब्लो थे वो इजरायली हारू ड्रोन के द्वारा दिए गए थे। आईएआई का हारू एक लॉयटरिंग म्यूनेशन है जो एंटी रेडिएशन सीकर का प्रयोग करता है, साथ ही साथ ये सिस्टम एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को भी कैरी करता है और इसी वजह से इसको जैम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये सिस्टम काफी छोटे रेडार क्रॉस सेक्शन के साथ में आता है और इसी वजह से इसकी मदद से सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि एनिमी की एयर डिफेंस को आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो कारबाख कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हारू ड्रोन की मदद से आर्मेनिया के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और एक बार जब आर्मेनियन फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो गए थे उसके बाद बायरक्टर के लिए आर्मेनियन आर्मर को टारगेट करना काफी ज्यादा आसान हो गया था। प्रैक्टिकली बिना एयर डिफेंस सिस्टम्स के आर्मेनियन आर्मर्ड फॉर्मेशन काफी हद तक सेटिंग डक थी जिसका फायदा बायरक्टर ने उठाया और उसके बाद जो मार्केटिंग की गई है वो आप सब जानते ही हैं। लेकिन यूक्रेन के केस में ना ही यूक्रेन के पास में हारूब जैसे ड्रोन्स थे और ना ही रशिया आर्मेनिया है और इसी वजह से ये ड्रोन्स यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। रशियन न्यूज एजेंसी द मॉस्को टाइम्स के हिसाब से रशियन फोर्सेस ने 4 यूक्रेनियन बायरक्टर ड्रोन्स को मार गिराया है। वैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से यूक्रेन के पास में 20 यूनिट ये टर्किश ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन बायरक्टर ड्रोन्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इनके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस। इन ड्रोन्स के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए और तभी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। सैटकॉम कम्युनिकेशन ना होने के कारण लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बेस्ड ये ड्रोन्स ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से डायरेक्टली बात करते रहते हैं और इसी वजह से ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को एक ओपन स्पेस में होना जरूरी है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स के लिए एक आसान टारगेट बन जाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशियन फोर्सेस की तरफ से स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल और कैलिबर क्रूज मिसाइल का जम के प्रयोग किया गया है और माना जा रहा है कि इस इनिशियल बराज के दौरान इन टर्किश ड्रोन्स के लिए जितने भी ग्राउंड स्टेशन बनाए गए थे उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। और क्योंकि टर्किश बायरक्टर ड्रोन्स सैटकॉम के साथ में नहीं आते हैं इस वजह से इनके ग्राउंड स्टेशंस फॉरवर्ड एरियाज में थे और उनको टारगेट करना काफी ज्यादा आसान था। अगर आप अमेरिकन मेड प्रेडेटर ड्रोन्स या रीपर ड्रोन की बात करते हैं तो इनके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होते हैं और ये ड्रोन्स मिडिल ईस्ट में, सीरिया में या अफगानिस्तान के ऊपर उड़ रहे होते हैं और इनके ग्राउंड कंट्रोलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बैठकर बड़ी ही आसानी से हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करते हैं। भारत के केस में इनिशियली रुस्तम 1 जिसके आर्म्ड वेरिएंट को आर्चर कहा जा रहा है और रुस्तम 2 में सैटकॉम नहीं था, लेकिन अब इन सिस्टम्स के लिए सैटकॉम डेवलप कर लिया गया है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही तरह इंडियन आर्म फोर्सेस न्यू दिल्ली में बैठकर LAC और LOC के ऊपर अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकेंगी। इस वीडियो में हम लोग रुस्तम 1 और रुस्तम 2 के ऊपर आए अपडेट को कवर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इन सिस्टम्स को लेकर यहाँ पर अपडेट ना कवर करने का कारण है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएंगी तो हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही करेंगे। ओवरऑल रशिया और यूक्रेन के बीच में हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में ये टर्किश ड्रोन्स पूरी तरीके से फेल रहे हैं और यहाँ पर दो स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्निंग है। पहला, इजरायली हारूब ड्रोन जैसे एंटी रेडिएशन ड्रोन्स ड्रोन वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है और इसी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने चाइना के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान इन ड्रोन्स की दूसरी खेप अपने बेड़े में जोड़ी थी। और दूसरा, आर्मर्ड फॉर्मेशन जैसे कि टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स ऑब्सोलीट नहीं हुए हैं। हालांकि आर्मर्ड फॉर्मेशन के साथ में आज की तारीख में एंटी ड्रोन वॉरफेयर वाले इक्विपमेंट होना जरूरी है और अगर आप इंडियन आर्मी के FICV
यानी कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम और FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों ही RFI में एंटी ड्रोन कॉम्पोनेंट को ऐड किया गया है। इनफैक्ट इंडियन आर्मी की तरफ से लाइट टैंक रिक्वायरमेंट में भी एंटी ड्रोन वॉरफेयर को मेंशन किया गया है, जो कि यह स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय सेना इन चीजों को पहले ही काफी ज्यादा डिटेल में कंसिडर कर चुकी है। ओवरऑल ड्रोन्स का प्रयोग इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस ड्रोन ही काफी नहीं है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदलने के लिए। मॉडर्न डे वॉरफेयर में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं और इन सभी कॉम्पोनेंट्स का सही बैलेंस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जीतने की की है। नॉर्मली हम लोग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और नगोर्नो कारबाख दोनों जगह पर हम लोगों ने देखा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जीत और हार के बीच का डिफरेंस रही है। ओवरऑल रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किए गए इन्वेजन में हथियारों को लेकर कई नई चीजें निकलकर बाहर आई हैं, जिनकी एनालिसिस हम लोग आने वाले कुछ वीडियोस में जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।